राजवाड़े समाज के प्रांतीय सम्मेलन में सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया गया कि यदि केंद्र सरकार ने आगामी विधानसभा चुनाव के पहले राजवाड़े समाज को आदिवासी वर्ग में शामिल नहीं करता तो सभी राजवाड़े समाज के लोग कांग्रेस के लिए प्रचार करेंगे और मतदान भी करेंगे। इस बैठक में भटगांव विधानसभा के भाजपा प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े भी मौजूद थी और उन्होंने भी अपनी सहमति दी, लेकिन जब IBC 24 ने इसे लेकर सवाल किया तो वो घबरा गए और रहने दीजिए कहते हुए नजर आए। ऐसे में माना जा रहा है कि अब लक्ष्मी राजवाड़े जिन्होंने प्रस्ताव पर अपनी सहमति दी थी उनके लिए भाजपा के लिए वोट मांगना आसान नहीं होगा। बता दें कि पिछले 10 सालों से राजवाड़े जाति के ही कांग्रेस के प्रत्याशी पारसनाथ राजवाड़े इस इलाके से विधायक हैं, जिसके चलते भाजपा ने भी राजवाड़े समाज से ही महिला प्रत्याशी लक्ष्मी राजवाड़े को मैदान में उतारा है। निश्चित तौर पे बहुत पुराना मांग था कि हमें आदिवासी समाज में जोड़ा जाए, कहीं ना कहीं हमको समर्थन देगी और समाज में देना ही चाहिए। निर्णय लिया गया है कि हम लोग का जो मांग है बहुत पहले से अनुसूचित जनजाति में शामिल करने के पीछे, तो ये मात्र RGI पर जाकर लटका हुआ है और ये मांग है कि हमारा ये मांग अब केंद्र सरकार इसको पूरा करे।